दिल्ली में जो पुस्तक मेला लगता है, पुस्तक मेले के अंदर मुझे एक बहुत बड़े विद्वान श्रीमान दर्शन रत्न रावण जी मिले। उनसे मेरी बातचीत हुई। वो भी किताबें खरीद रहे थे, मैं भी किताबें खरीद रहा था। अधिकतर विद्वान दिल्ली पुस्तक मेले में ढेरों किताब भर के लेके जाते हैं, सभी को पढ़ते हैं, अक्सर मुलाकात हो जाती है। बात बातों में उनसे पता चला कि वो चार आर्य सत्य जो बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, या बुद्ध ने जो चार आर्य सत्य बताए, उन्होंने कहा कि सत्य भी आर्य होता है, ये बात बड़ी समस्या परे है। मैं जवाब उस समय भी उनको दे सकता था, मगर मैं उस समय उनको सुनना चाहता था। बहुत सारी बातें हमारी हुई। फिर मैंने कुछ दिन बाद एक वीडियो भी देखा जिसमें वो फिर लिखते हैं कि ये चार आर्य सत्य क्या होते हैं और सत्य भी आर्य होता है क्या। ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेसिकली आर्य जो शब्द है जिसमें आधा रे लगा हुआ है, आधा रे वाला कोई भी शब्द पाली का पुराना बुद्ध का नहीं है। पहली बात तो ये स्पष्ट समझें, ये संस्कृत का शब्द है जो बाद में पाली, मगधी और अर्धमगधी जो भाषा थी उनको संस्कारित करके, उनको मॉडिफाइड करके जो भाषा बनी। प्योर जो नेचुरल भाषा है, प्राकृतिक भाषा है, वो पाली प्राकृतिक है, मगधी है। तो उस भाषा में आधा रह कहीं नहीं मिलेगा। आधे रह के जो शब्द लिए हैं, जैसे ब्राह्मण शब्द है या इंद्र शब्द है, ये वो शब्द हैं जो भारत के नहीं है, भारत से बाहर के शब्द आए थे और उनको पाली में ऐसा कैसा इस्तेमाल करते हैं। मगर आधे रह का, नीचे वाला आधा रह हो या ऊपर वाला आधा रह हो, कहीं भी आधे रह का कोई भी सिंगल शब्द पाली में आपको नहीं मिलेगा। अगर वो है तो बाहर से आया है। तो आर्य शब्द पाली का नहीं है, बुद्ध का नहीं है। उन्होंने जो बोला है वो बोला है आर्य सच, आर्य सच बोला है। आर्य उसका शब्द है, आर्य को बाद में आर्य बनाया गया है। आर्य क्या होता है? आर्य माने होता है श्रेष्ठ यानी अच्छा। अब आर्य सच यानी श्रेष्ठ सच कैसे हो गया ये? क्योंकि उन्होंने चार सच कहे हैं। क्या बताए हैं उन्होंने? दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग यानी रास्ता है। ये चार बातें, इनको आर्य सच बोला जाता है। ये चार आर्य सच हैं जिनको संस्कृत में आर्य सत्य बोला जाता है। आर्य यानी श्रेष्ठ सच क्यों बोला गया है? एक बहुत छोटा सा बात है कि जो सच आपको श्रेष्ठ बना दे, जिसका ज्ञान आपको श्रेष्ठ बना दे, जो आपको श्रेष्ठ पोजिशन पे ले जाए, उस सच को आर्य सच बोला है। जो दुख है, जब बुद्ध ने देखा कि दुख है और दुख का कारण भी है, कारण का निवारण भी है और निवारण का मार्ग है, तो चार श्रेष्ठ सच थे इसलिए क्योंकि उन्होंने दुखों से मुक्ति का कारण खोजा। दुख थे, ये बात समस्या सामने आई तो उन्होंने उससे मुक्त होने का रास्ता खोजा और अनंत उन्होंने प्राप्त किया और सभी को दिया। जीते जी उन्होंने मनुष्य को सुखी किया और श्रेष्ठ किया। उसकी सारी बुराइयां निकालने के बाद में जो उसके बचपन से, जो उसकी माँ के पेट से जो अच्छाइयां आती हैं, सिर्फ वो उसके पास रह जाती हैं। जो बुराइयां यहाँ समाज देता है, जो बुराइयां यहाँ वो स्कूल में या घर में झूठ बोल के या आसपास मोहल्ले पड़ोस में या किसी लालचवश या किसी कारणवश जो वो झूठ इकट्ठे रहता है और झूठ का पूरा पुलिंदा, पूरा बोरा बन जाता है, उस चीज़ को उन्होंने ढूंढा और वो सारे बोरा और सारा जो झूठ का पुलिंदा था वो उन्होंने धीरे धीरे करके रेडिकेट किया, ख़त्म किया। वो जो श्रेष्ठ बात थी, जो श्रेष्ठ सच था, उसलिए उन्होंने उन चार बातों को श्रेष्ठ कहा, आर्य कहा, आर्य सच कहा। इतनी सी बात है। बाकी अरि के, आर्य के, अय के, अया के बहुत सारे मतलब हैं, क्योंकि पाली के अंदर अया बोलते हैं उसको जो बहुत स्वामिनी होती है घर की, और अय बोलते हैं उसको जो स्वामी होता है घर का। अरि उसको बोलते हैं जो दुश्मन होता है, और अर उसको बोलते हैं जो धमचक के अंदर आरे होते हैं, जो लाइनें होती हैं, तिली होती हैं। और जो कुछ ईरानी लोग हैं बाद में वो भी अपने आप को आर्य या आर्यन बोलने लगे, आर्यन और ईरानी हो गया। ये एक लंबा शब्दों का जाल है, इसमें शब्द बहुत बार बिगड़ते हैं, बहुत बार बनते हैं, मगर आर्य श्रेष्ठ यानी आर्य सच या आर्य सच यानी नोबल ट्रुथ, नोबल इंग्लिश में बोलते हैं, नोबल ट्रुथ वो होता है जो आपको सच श्रेष्ठ बना दे। धन्यवाद।